हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेबल। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस फेलोशिप में इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि यूजीसी की तरफ से फेलोशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया है कि जिन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल में जिन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की है उनके लिए फेलोशिप है। ठीक है, अब ये फेलोशिप अगर आपने सपोज अपने अंडर ग्रेजुएशन में आपने अपना फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है यूनिवर्सिटी में, और मिनिमम, लेकिन इन्होंने मेंशन किया कि आपका मिनिमम जो स्टूडेंट हो 1000 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने 1000 में आपने अगर फर्स्ट रैंक हासिल किया है तब आपको ये जो फेलोशिप है वो दी जाएगी, और ये फेलोशिप दी जाएगी तब जब आपने कहीं पर यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपने अगर पीजी डिग्री में इनरोलमेंट लिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करने पे आप देख सकते हैं द स्कॉलरशिप मे बी टेनेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स 2 इयर्स टू इनेबल द रैंक होल्डर्स ऑफ ईच यूनिवर्सिटी एट अंडर ग्रेजुएट लेवल टू परसू देयर मास्टर डिग्री। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में आपने अगर टॉप किया है अपनी यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे जो नंबर हो वो 1000 मिनिमम स्टूडेंट का होना चाहिए, अगर अपने 1000 में आपने टॉप रैंक हासिल किए तो आप अपनी मास्टर डिग्री में जब एनरोल करेंगे तब आप इस फेलोशिप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपने टॉप किया है तो आपको वहाँ पर रैंक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसका यूज आपको इस फेलोशिप को लेने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की ऑब्जेक्टिव्स की तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का इस स्कीम का है टू प्रमोट एंड नर्चर टैलेंट, यानी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, टू रिवॉर्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में टॉप किया है तो उस चीज़ को उसको रिवॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे जो फेलोशिप दी जाएगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। तीसरा, टू प्रमोट स्टडी इन बेसिक सब्जेक्ट बोथ जनरल एज वेल एज ऑनर्स। तो आप इस फेलोशिप का जो यूज है वो आप जनरल सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं पीजी डिग्री में तब भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर कोई ऑनर्स सब्जेक्ट लेते हैं तब भी आप इस फेलोशिप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में, चाहे आपने जनरल या ऑनर्स में आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप जब पीजी डिग्री में अगर आप इसमें इनरोल हो रहे होंगे तो आप जो है फेलोशिप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज आर नॉट कवर्ड इन द स्कीम, या तो यहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो है ये फेलोशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी टारगेट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मैसेज कर रखा है इन जनरल कोर्स में फर्स्ट एंड सेकंड रैंक होल्डर एट यूजी लेवल एंड एडमिटेड इन एनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वुड बी अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। तो क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, इन ऑनर्स कोर्सेज मेन और मेजर द स्कॉलरशिप वुड बी अवॉर्डेड ओनली टू द फर्स्ट रैंक होल्डर। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर आपने जनरल कोर्स में आपने यूजी लेवल में टॉप किया तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक होल्डर्स को यहाँ पे जो है फेलोशिप दी जाएगी जब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एनरोल होंगे। इसके अलावा इन ऑनर्स कोर्सेज अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन ऑनर कोर्स में किया है तब आपको यहाँ पे अगर आपकी फर्स्ट रैंक आप सिक्योर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको ही फेलोशिप मिलेगी। तो जनरल कोर्सेज में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक होल्डर्स को फेलोशिप दी जाएगी, वहीं ऑनर्स कोर्स में जिसने भी फर्स्ट रैंक जो है वो लाइक होल्ड की है उसे सिर्फ लाइक ये फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 60% मार्क्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए, जो ऑब्वियस की बात है अगर आप रैंक टॉप करेंगे तो आपका होगा ही होगा। इसके अलावा एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपका 30 इयर्स रहेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन पीजी को। तो यहाँ पे अगर आप 30 इयर्स से पहले जो है आपको इनरोल होना है पीजी डिग्री में तभी आप इस फेलोशिप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका पीजी डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड, अगर आप पीजी डिग्री डिस्टेंस मोड या करस्पॉन्डेंस मोड से करते हैं तब आप ये फेलोशिप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, अगर आपका बीएससी जनरल में है, बीए जनरल, बीकॉम जनरल, तो यहाँ पे अगर आपने जो है फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक होल्डर को यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी, ये जनरल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर वहीं आपका जो है आपका अगर
जो है ऑनर्स कोर्स रहेगा, तो वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रैंक होल्डर वालों को ही फेलोशिप दी जाएगी। जैसे अगर आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स में किया है, या बीए हिस्ट्री ऑनर्स में किया है, साइकोलॉजी ऑनर्स में किया है, बीए संस्कृत ऑनर्स में किया, तो ये ऑनर्स कोर्स है। यहाँ पे जो है आपने अगर फर्स्ट रैंक होल्ड की है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट रैंक होल्डर वालों को ही यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। वहीं अगर आप जनरल में, यहाँ पे फर्स्ट रैंक होल्डर और सेकेंड रैंक होल्डर दोनों को यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी। तो वो ये डिफरेंस है जनरल में, अगर आपने अपना जो अंडर ग्रेजुएशन किया है कि आपने ऑनर्स में किया है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों फेलोशिप में, इन दोनों ग्रेजुएशन कोर्स, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं वो कवर्ड नहीं है, तो आपका अगर इन सब में अंडर ग्रेजुएशन है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर सब्जेक्टों ने क्लियरली मैंसन कर रहा कि अदर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आर नॉट कवर्ड, क्लियर। आप देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्कॉलरशिप और टेन्योर ऑफ स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है वो 1800 पर ईयर है जनरल कोर्सेज के लिए, और 575 है फॉर ऑनर कोर्सेज के लिए। और जो ड्यूरेशन रहेगा स्कॉलरशिप का वो आपका 2 ईयर्स रहेगा, नॉर्मली पीजी 2 ईयर्स का ही होता है, इसीलिए 2 ईयर्स तक आपको फेलोशिप दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है द रैंक होल्डर वुड बी कंसीडर्ड ओनली फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग एफिलेटेड कॉलेजेस वेयर इन एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट हैव अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द जनरल कोर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप अगर जनरल रैंक होल्डर में हैं, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है मिनिमम 1000 स्टूडेंट होने चाहिए, उनमें से आप टॉप रैंकिंग में होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड रैंक अगर आपका है तभी आप इस फेलोशिप को यूज़ कर सकते हैं। वही अगर बात करें ऑनर्स के कोर्सेस में, तो ऑनर्स कोर्सेस में मिनिमम 100 लोग जो है वो आपके साथ होने चाहिए एग्जाम में, तभी आप जो है यहाँ पे फेलोशिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरल और ऑनर्स कोर्स में डिफरेंस है, ये आपको देखने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मॉनिटरिंग या ऑपरेशन स्कीम की, तो द स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड बाय द यूजीसी, तो यूजीसी प्रोवाइड करेगी सबको स्कॉलरशिप, और जो स्कॉलरशिप रहेगी प्योरली मेरिट बेस पे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए फाइनल असिस्टेंट ऑफ द स्कीम विल प्रोवाइडेड बाय द यूजीसी, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि यूजीसी आपको यहाँ पे जो है वो फेलोशिप देगी। इसके अलावा जो आपका यूनिवर्सिटी होगी, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू द यूजीसी टू सेटल द अकाउंट, ठीक है। तो ये सब आपका यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे पीजी डिग्री, वही सब देखभाल करेगी आपकी, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा कि आपको कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2000 पर मंथ जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो आपको 10 मंथ्स, एक साल में 10 महीने यानी 12 मंथ्स में से 10 मंथ आपको फेलोशिप दी जाएगी, टोटल यहाँ पे 20 मंथ फेलोशिप दी जाएगी, क्योंकि 2 मंथ्स आई थिंक मे बी आपका हॉलीडे रहता है, तो इसीलिए इन्होंने जो है सिर्फ 10th मंथ कंसिडर किया है फेलोशिप देने के लिए। तो आपको हर साल 10 मंथ फेलोशिप मिलेगी, टोटल आपको 20 मंथ जो है वो फेलोशिप मिलेगी, 2000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सेकेंड ईयर का जो ग्रांट होगा वो रिलीज तब किया जाएगा जब आपकी यूनिवर्सिटी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद योर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होगी आपकी फर्स्ट ईयर की वो सेंड करेगी यूजीसी को, तभी आपका जो सेकेंड ईयर का जो ग्रांट है वो आपका यहाँ पे सैंक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो हॉस्टल चार्जेस हो या मेडिकल चार्जेस हो, वो आपको जो यूनिवर्सिटी अगर देती है, अदरवाइज आपको अपना खुद का ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अदर कंडीशन क्या है कि द स्टूडेंट हु इज अवॉर्डेड पीजी स्कॉलरशिप विल नॉट बी डिबाइड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, तो अगर आपको यहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आप दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट डिसायर्स ऑफ लीविंग द स्टडी मिडवे विदाउट कंप्लीटिंग द पीजी डिग्री विल हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द यूजीसी बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन थ्रू द कंसर्न यूनिवर्सिटी, तो अगर आप यहाँ पे जो है बीच में ही अपनी स्टडी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको यूजीसी को का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं, तो देखिए आप इन्होंने मेंशन कर रखा था यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन है जो सबमिट अ सर्टिफिकेट कंप्लीशन ऑफ द पीजी कोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप, तो ये काम जो यूनिवर्सिटी करेगी, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है आपका जो कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो आप पीजी डिग्री का वो सेंड करना पड़ेगा उसे यूजीसी को, ठीक है। इसके अलावा आपको फेलोशिप 2 ईयर्स तक ही मिलेगी, इसके अलावा आपको फेलोशिप जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। अब कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखे कि आपकी स्कॉलरशिप जो वो कैसे कैंसिल हो सकती है, तो अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, या कैंडिडेट बीइंग फाउंड इन एलिजिबल एट अ लेटर डेट सेल्फ फेस द पेनल एक्शन एंड विल बी आल्सो बी लाइबल टू रिफंड द एंटायर स्कॉलरशिप अमाउंट पेड,
इसके अलावा डॉक्यूमेंट, ये जो पोर्शन है वो आपका है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करने हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में यूजीसी वेबसाइट पर दे रखा है, उसे आपको डाउनलोड करना है, और उसके साथ आपको अपना यूजी डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है, मे बी फॉर डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन, और इसके अलावा आपको वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट हैड टेकन एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पीजी कोर्स। तो आपको पीजी डिग्री में जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ का एडमिट स्लिप या वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट आपको सेंड करना है। इसके अलावा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये भी सेंड करना। तो आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करने हैं अपने यूनिवर्सिटी के एडमिन में, और वहाँ से जो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी को क्या क्या सबमिट करना वही मेंशन कर रखा है, जैसे कि स्टेटमेंट गिविंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द अवार्ड गिविंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एंड द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये तीनों जो सर्टिफिकेट है वो यूजीसी मतलब कि आपकी जो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो चाहे इंस्टीट्यूट है, उसे आपको सबमिट करना है तीनों सर्टिफिकेट टू द यूजीसी में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।